हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा वो हमारे ऑडिट के रिलेटेड होगा। ऑडिट में जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177। सबसे पहले नाम से लगता है कि सर ऑडिट कमिटी मतलब यहाँ पे एक ऑडिटर्स की कमिटी बनाते होंगे, तो के बिल्कुल भी गलत। ऑडिट कमिटी मतलब है क्या, यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक कमिटी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, बस इसीलिए तो ये हमारे पास क्वेश्चन रखा है आज के लिए। सबसे पहले तो ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177 किसको अप्लाई होगा, तो क्या अप्लाई उसी कंपनी को होगा जो लिस्टेड होगी और पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी। मतलब बेसिक रूल क्या हुआ हमारे यहाँ पे, कौन सी कंपनी कवर कर रही है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड सच अदर क्लास एज मे बी प्रिस्क्राइब। और उसके लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया किया गया है, क्राइटेरिया को 3 डिवाइड्स में किया हुआ है। फर्स्ट जो रूल 4 के हिसाब से फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़ से तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ऊपर, और 100 करोड़ है तो भी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ से टर्नओवर, तो भी आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। और हैविंग एलडीडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ से तो भी आपको ऑडिट कमेटी कंपल्सरी अप्लाई होगी। तो एलईडी देखे तो एलईडी का मतलब क्या है, एल का मतलब लोन्स एंड बोरोइंग्स, डी का मतलब डिबेंचर और डी का मतलब डिपॉजिट। ये जो हुआ वो आपका सेक्शन 1 मतलब सबसेक्शन 1 यहां पे कंप्लीट हुआ। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, तो कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो चाहिए उसमें, मेजॉरिटी विद अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेजॉरिटी डायरेक्टर हैविंग अ नॉलेज अबाउट रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, उसमें भी मेजोरिटी कौन से वाले डायरेक्टर चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। और जो भी उसमें डायरेक्टर, चलो 5, 7, 10, 15 जितने भी लोगों की अगर टीम बनाई गई, सपोज 10 लोगों की टीम बनाई गई, तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर मतलब 5 से ज्यादा मीन्स 6 डायरेक्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजिली रीड करना आना चाहिए, उसके रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, कोई भी अगर क्वेरीज हो तो वो इजीली सॉल्व कर पाए। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्लोजर लिखा है, लास्ट में देखते हैं। उससे पहले हमारा पॉइंट आएगा विद इन 1 ईयर, मतलब कोई भी कंपनी अगर नई स्टार्ट हो रही है तो उसके 1 साल के अंदर अंदर ही ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी है। और उसमें होता क्या है, हर साल ऑडिट कमिटी को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो मतलब रिकंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग विद द सबसेक्शन 2, उसके हिसाब से जो भी चेंजेस होता है। हाँ, ऐसा भी होता है कि वही के वही डायरेक्टर है, फिर भी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना कंपलसरी है। उसके बाद आए देखे थे हम ड्यूटी सबसेक्शन 4, अलग अलग ड्यूटीज को मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहली रेकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनीज ऑडिटर, मतलब कंपनी के ऑडिटर, कौन सा कंपनी का ऑडिटर सिलेक्ट करना है, उसकी रेम्यूनरेशन क्या रखनी है, उसका रेकमेंडेशन कौन देगा, ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी कोई कारण सर कोई रीजन से वो फेल हो जाए, वो रेकमेंडेशन न दे पाए, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसका रेकमेंड करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑडिट कमेटी है उसको रेकमेंडेशन करना पड़ेगा किसके रिलेटेड, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनीज ऑडिटर। उसके बाद क्या, चलो अपॉइंटमेंट के और रेम्यूनरेशन के लिए सब रेकमेंडेशन दे दिए, खेल खत्म, तो कि नहीं, जब वो ऑडिटर कंपनी में आएगा वो अपना वर्क करेगा, उसके बाद रिव्यू एंड मॉनिटर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो कैसे काम करता है, उसकी इफिशियंसी क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसा तो नहीं है ना कि चलो ऑडिटर कंपनी में आता है और आराम से पड़ा रहता है और आखिर में क्या रिपोर्ट, तो रिपोर्ट तो दे देंगे वो, ऐसा नहीं, वो इफेक्टिवनेस से काम वर्क कर रहा है, परफॉर्मेंस उसका कैसा है, उसका रिव्यू और मॉनिटर करेंगे। उसके बाद ही इवेल्युएशन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एग्जामिनेशन मतलब चेक कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन, अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब क्या, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन मेरे भाई के साथ हो रहा है, मतलब मेरे कोई रिलेटेड पार्टीज रिलेटिव के साथ हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को कंपलसरी पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। और वो अप्रूवल जो होगा वो कैसा होगा, ओमनीबस अप्रूवल होगा। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर ओमनीबस अप्रूवल मतलब क्या,
ईयर के शुरुआत में ही मैं अप्रूवल ले लूंगा ऑडिट कमेटी से कि पर्टिकुलर मैं मेरे भाई के साथ ये कॉस्ट पे मतलब ये प्राइस पे ये वाली प्रोडक्ट ये टर्म्स कंडीशन पे परचेज कर रहा हूं। ऑडिट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया तो मतलब ऐसा नहीं कि हर एक बार जो परचेज करूं उसके साथ ट्रांजेक्शन करूं तो मेरे को हर एक बार ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेना है। ओमनीबस अप्रूवल का मतलब यही हुआ कि एक बार उन्होंने अप्रूव कर दिया फिर पूरे साल हाँ वही कंडीशन पे वही प्राइस पे आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। कोई आप टर्म्स कंडीशन चेंज कर सकते नहीं हो यहाँ पे। और अगर कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो अप्रूवल नहीं लेती और ट्रांजेक्शन 1 करोड़ के नीचे से है, मैं मेरे भाई के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैंने ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया और ट्रांजेक्शन वैसे भी कर दिया, जो अमाउंट थी वो छोटी अमाउंट थी 1 करोड़ के नीचे थी, तो मेरे को क्या करना है 3 महीने के अंदर अंदर उसको ऑडिट कमेटी से अप्रूव करना है। लेकिन मैं 3 महीने के अंदर अंदर भी ऑडिट कमेटी को इंपॉर्टेंट नहीं देता और उसका अप्रूवमेंट लेता नहीं हूं, तो ऑडिट कमेटी चाहे तो उसको वॉइडेबल बोल सकती है। तो यहां पे वो भी मैंने इंडिकेट किया हुआ है, अगर लेस देन 1 करोड़ ट्रांजेक्शन है विदाउट अप्रूवल एंड नॉट रेटिफाइड, मतलब बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, विदिन 3 मंथ इज अ वॉइडेबल। उसके बाद आता है स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई लोन लिया हो तो वो लोन की अमाउंट्स भी सब वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। वैल्यूएशन ऑफ असेट, जब भी ऑडिट कमेटी को जरूरत पड़े रिक्वायरमेंट उसको ऐसा लगे कि नेसेसरी लगे तो कभी भी वो असेट का रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी उसको लगे वो कर सकती है, उसके पास अथॉरिटी है। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, इवेल्युएशन मतलब देख रेख रखेगी, मूल्यांकन करेगी कि कंपनी में जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है पैसे की जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो सब कैसा चल रहा है उसके रिलेटेड भी वो मॉनिटरिंग रख सकती है। मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड, सपोज की कंपनी ने शेयर इश्यू किए तो क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ चुका है, जो पैसा आया हुआ है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रॉपरली एलोकेट हुआ है कि नहीं, वो सब देखने का काम भी कौन करेगा यहाँ पे ऑडिट कमेटी। मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड, कॉमेंट ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये हम एक अथॉरिटी टाइप गिरेंगे। अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रिलेटेड ऑडिटर से रिक्वायरमेंट कोई कमेंट्स मांग सकती है। और दूसरी एक अथॉरिटी की भी मैं बात कर लूं, यहां पे इंडिकेट मैंने नहीं किया, ऑडिट कमेटी अगर चाहे तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर या और कंपनी ऑडिटर को वो ऑर्डर दे सकती है कि चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके रिपोर्ट तैयार नहीं हुए उससे पहले हमको कुछ कमेंट दो कि कैसे कंपनी के रिपोर्ट्स है कैसे अकाउंट्स तैयार हुए हैं उसके रिलेटेड पहले भी वो डिमांड कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ऑब्वियसली ऑडिट कमेटी है, कोई भी एजीएम होगा उसमें उसको पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा, पर यहां पे ध्यान देने की बात है उसको कोई भी वोटिंग राइट्स मिलेगा नहीं। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में मैं मेनली 2 पॉइंट्स की बात करूंगा। डिस्क्लोजर में फर्स्ट पॉइंट ये होगा हमारे वहां पे कि अगर ऑडिट कमेटी कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रही अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन किसी के हिसाब से तो उसको रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो कि ये ऑडिट कमेटी बेकार में यहां पे बैठी रहती है मुफ्त के पैसे खा रही है और कोई भी रिकमेंडेशन कर नहीं रही। और दूसरे जो डिस्क्लोजर है वो कंपनी के कोई भी डायरेक्टर्स हो ऑडिट कमेटी में जो भी कोई मेंबर्स हो उसकी सारी की सारी डिटेल कंपनी के वेबसाइट पर उनको करनी चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था, एक शॉर्ट में हम देख लेते 1 और 2 मिनट्स में पूरी पूरा कवर कर लेते। कंपनीज कौन सी कवर हो रही है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और सच अदर क्लास एज में बी प्रिस्क्राइब Rule 4 के हिसाब से क्या है, पेडअप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़, टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़, हैविंग एलईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़। एलईडी का मतलब ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, मेजोरिटी विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मेजोरिटी डायरेक्टर्स हैविंग अ नॉलेज अबाउट द रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब यही होगा कि ऐसे कि चलो लल्लू बंजू कोई भी आए उसको डायरेक्टर्स में और ऑडिट कमेटी में हम नहीं ले सकते, उसको ऑब्वियसली अकाउंट्स के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ऑडिट कमेटी
कंस्ट्रक्ट कर देनी चाहिए और हर एक साल रिकंस्टिट्यूट भी उसको करनी चाहिए अकॉर्डिंग विद द सबसेक्शन 2। ड्यूटीज में देखें तो रेकमेंडेशन करना होता है अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन के रिलेटेड, रिव्यू और मॉनिटरिंग, उसको ऐसे भी नहीं चलो अपॉइंटमेंट करके छोड़ दिया, रिव्यू मॉनिटर एफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल लेना चाहिए फॉर रिलेटेड पार्टीज, पर अप्रूवल बोला उसमें ओमनीबस अप्रूवल होगा, ओमनीबस का मतलब पूरे साल के लिए वो अप्रूवल दे देंगे, ऐसा नहीं कि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग अप्रूवमेंट लेना पड़े। 1 करोड़ के नीचे का ट्रांजेक्शन है और कंपनी ने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कर दिया विदाउट अप्रूवल तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल पास करना चाहिए, और कंपनी अगर फेल होती है ऑडिट कमेटी से 3 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल लेना तो वो चाहे ऑडिट कमेटी तो उसको वॉइडेबल बोल सकती है। मतलब यहां पे सुनो, ऑडिट कमेटी चाहे तो ऑडिट कमेटी बोले चलो होने चलने दो कोई वांधा नहीं तो वो ट्रांजेक्शन वैलिड गिनेंगे। स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन और इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ असेट, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड, कमेंट ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक अथॉरिटी तरफ से बोला। दूसरी भी मैंने अथॉरिटी आपको यहां पे इंडिकेट की, ऑडिट कमेटी कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट तैयार होने से पहले भी बोल सकता है कि चलो मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ कमेंट दो कैसा है अलग अलग क्राइटेरिया पे। पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में, यहाँ पे उनको वोटिंग का कोई राइट्स नहीं मिलेगा। डिस्क्लोजर में मैंने 2 बात की, फर्स्ट 2 बात की अगर ऑडिट कमेटी कोई रिकमेंडेशन हमको नहीं दे रहा तो उसके रिलेटेड डिस्क्लोज कर सकते हैं, और कोई भी पार्टीज मतलब कोई भी जो नाम है उसके नाम के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, डायरेक्टर्स कौन कौन है, वो उनके सब कंपनी के जो वेबसाइट पे उस पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो आज का ये टॉपिक था, तो और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अराइज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। दूसरा कोई अकाउंट्स के रिलेटेड एज यूजुअल जो मैं हर एक लेक्चर में आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि कोई भी अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसके लिए हम लेक्चर रेडी कर पाए। तो ऑल द बेस्ट।